प्रार्थी बड़ भाई अखिल भाई उपस्थित अच्छा चंपुआ निर्वाचन मंडली टाणुआ नेता मुरली भाई उपस्थित अच्छा आम गहन राज्य स्पोक्स पर्सन सत्य भाई एवं बीरजा भाई उपस्थित अच्छा आम गंडे लोकसभा संयोजक सुक भाई एवं विधानसभा संयोजक सुदर्शन भाई प्रभारी बादल भाई तथा आम अंचल नेत्री ममिता भौणी उपस्थित अच्छा दीर्घ समय है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता माने भौणी माने माँ माने भरपूर संख्या रे माननीय प्रधान माननीय रक्षा मंत्री को अपेक्षा करके रही गोटे जोरदार करताली एवं हुलहली मध्यम स्वागत करने आपण मानक अनुरोध करुच्ची बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मु बेसी समय कथा रखी केवल एति कहवाई चाहूँगी जो जोश आज देखा असनपाट गाँव में भारतीय जनता पार्टी पाटणा एवं चंपुआ निर्वाचन मंडल तथा पखापाखी निर्वाचन मंडल जो कार्यकर्ता भाई भौनी माने उपस्थित अच्छा ए लड़ाई को आमको शेष पर्यंत नापी हम मे 25 संध्या पर्यंत जिते पर्यंत आम बुथ्र समस्त भोट भोट ईवीएम मेसीन को न जाए आमको से पर्यंत लड़ाई लड़ापी पड़ आज जो परिवर्तन रो कथा अच्छी जिते राज्यर सरकार को फिंगी देवार समय आसी जिते आतंकवाद सरकार लुटराज सरकार दुर्नीतिर सरकार को फिंगी देवार समय आसवे आम समस्ते एक है गोटे नारा देवार अच्छी नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद। आमर प्रत्येक घरे आम 2014 रु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को चलाउथिले सुद्धा आम केन्दुझर लोकसभा जितेकू किंतु प्रत्येक घरे पायखानार व्यवस्था कर प्रत्येक चाल छपर घर को प्रधानमंत्री आवास योजना घर दे प्रत्येक घर को बिजुली व्यवस्था कर प्रत्येक घर को पानी व्यवस्था कर गत वर्ष केवल केन्दुझर जिला को 85,000 प्रधानमंत्री आवास योजनार घर मिली दबा लोक दे किंतु बांटा लोक बांटिक नहीं पार ना बांटा लोक ठीक ढंग से बांटि पार ना बीजेडी कर्मी मानू तीन टा चार घर दे अन्याय को आम बरदास्त कर समय ना आम ए 5-6 दिन भितर ए सरकार को फिंगी देवा दरकार अच्छी आपण मानक निश्चित भाव आमको उत्साह दूसरी आज ये कार्यक्रम अच्छी माननीय गृहमंत्री आसंता 21 तारीख दिन आमको पुणी केन्दुझर मेडिकल ग्राउंड रे आसिक उपस्थित हो संबोधन करेंगे आमको उत्साहित करें सरकार दुर्नीति कथा कहे ए जो जिला अच्छी केन्दुझर जिला सारा भारत वर्ष रे डीएमए पैसा सबुठ धनी केवल नरेन्द्र मोदी अवदान पर आम आउ थे करता देकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दवा समस्ते टे करता दवा से कंजुसी करवा ना सी आम आम यू कौन सी नेता आम लोकसभा गत दुटा निर्वाचन आम लोकसभा न जीत सदे आमको केवे कौन बाद देना कौन स्कीम रु आम बाद पड़ी ना नरेन्द्र मोदी सबुदिन नरेन्द्र मोदी आम सांगे रुहतु भारतीय जनता पार्टी आपण मान सांगे अच्छी साधारण जनसा सांगे अच्छी भारतीय जनता पार्टी जो या से उद्देश्य बर्तमान कम कर मुकर उत्साह देखिए अभिभूत अच्छी माननीय रक्षा मंत्री आम गंडे ठीक टम समय उपस्थित होती मु कथ को आगे नौ नहीं मुझे अनुरोध कर वर्तमान मोर वक्तव्य परे स्वागत भाषण परे आमर माननीय केन्द्रमंत्री श्री फगन सिंह कुलस्ते महोदय को से तांकर विचार रखिबे माननीय फगन सिंह कुलस्ते महोदय भारत माता की भारत माता की। आज इस पटना विधानसभा और क्योंझर लोकसभा में हमारे बीच में भारत के हमारे रक्षा मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में यहां पर हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब भाई और बहनों से मैं एक बार हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर के आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत कीजिए। जय जय श्री राम।
आज एक सूचना भी मुझे देना है, हमारे रक्षा मंत्री जी के पैर में चोट आने के कारण वो बैठ करके आपके साथ में संवाद करेंगे, और इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है, और इसलिए आपके मन में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप सब भाई और बहनों से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको तकलीफ है और इसके कारण वो बैठ करके आपके साथ संवाद करेंगे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी और हमारे कैंडिडेट जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं भाई अनंत नायक जी, क्यूंझर लोकसभा, हमारे दो ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे अखिल चंद नायक जी जो हमारे विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, दूसरे हमारे कैंडिडेट चंपुआ के आदरणीय मुरली शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, और हमारे ऐसे मंच पर विराजमान पार्टी के सभी हमारे नेतागण, और मेरे सामने यहाँ पर इस क्षेत्र के और पटना केवझर हमारे चंपुआ और केवझर से आए हुए यहाँ पर सभी हमारे नागरिक बंधुओं, मतदाता भाई और बहनों, मैं बाहर से आया हूँ, मध्य प्रदेश से आप लोगों के बीच में काम करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी को देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और आप सब भाई और बहनों से आज बात करने के लिए हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं राजनाथ जी, और इसलिए जब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे तो उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उड़ीसा में जन्म लिया हुआ नागरिक उड़ीसा प्रदेश का हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, और इसलिए आप सब भाई और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे बीच में यहां पर सभी नागरिक बंधुओं से मैं अपील करना चाहता हूं, जिस प्रकार की सरकार आज उड़ीसा के अंदर चल, भ्रष्टाचार, अनेक ऐसे एलिगेशन, गरीब आदमी का कल्याण की योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के इस देश में आम आदमी को उड़ीसा के अंदर, केवझर के अंदर, आज इस पटना के अंदर यहां पहुंचाने के लिए, और दूसरे तरफ आप देखिए इस सरकार ने जो हमारे नवीन पटनायक जी हमारे मुख्यमंत्री है, उस उड़ीसा के गरीब आदमी को लाभ तक पहुंचाने में उनने व्यवधान पैदा किया। आज देखिए देश में 4 करोड़ हमारे गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। देखिए दुर्भाग्य उड़ीसा का उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाया, गांव गांव पानी, घर घर पानी देने का, नल जल योजना पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, आदरणीय हमारे राजनाथ सिंह जी की सरकार ने जब प्रारंभ किया, अनेक गांव में जाने के बाद ये आदिवासी क्षेत्र है, भगवान बिरसा मुंडा का सम्मान अगर आज भारत के अंदर बढ़ा है, अगर आज देश के अंदर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती हम मना लेते हैं, आज देश के अंदर आज उस जयंती को सारे देश में मनाने का फैसला भी अगर आज सम्मान के साथ भारत के अंदर हो रहा है, तो हमारे श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे इससे पूरे देश के आदिवासियों के लिए संघर्ष करने वाले, जंगल का अधिकार दिलाने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी ने आज ये जो संघर्ष किया, इसका परिणाम है कि हमारे आदिवासी भाई और बहनों को आज इसके कारण दिलाने का काम भी भगवान बिरसा मुंडा जी ने किया। और इसलिए भाई और बहनों, जब उनके अधिकार की हम बात करते हैं, गरीबों की कल्याण की हम बात करते हैं, आज 80 करोड़ लोगों को, गरीब को अनाज देने की हम बात करते हैं, किसानों का सम्मान निधि देने का काम आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इसलिए आप सब भाई और बहनों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे केवझर लोकसभा क्षेत्र से एक मेंबर यहां से जीत करके जाना चाहिए, ताकि ये 400 पार का ये जो हमारा संकल्प है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का ये संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने का समय आज आ गया है, और इसलिए आज पटना के सब नागरिक बंधुओं से, हमारे मुआ के नागरिक बंधुओं से, केवझर के नागरिक बंधुओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आज हमारे आदरणीय नेता राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में आए,
और इसलिए जब दो हमारे एमएलए यहां से जीत करके जाएंगे, हमारे लोकसभा का मेंबर जीत करके जाएगा, तो दिल्ली के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमारे उड़ीसा के अंदर जब हमारे विधायक जीत करके जाएंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसलिए आप सब भाई और बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है कमल, आप कमल की बटन दबा करके आप आशीर्वाद दीजिए और मोदी जी को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। यही निवेदन करते हुए आप सब भाई और बहनों को प्रणाम करता हूँ। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री फगन सिंह कुलस्ते जी को। अब मैं अनुरोध करता हूं श्री प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह महोदय जी से, वो अपना वक्तव्य रखे। समस्त को अनुरोध करुच्ची समस्ते हमें धैर्य सहित बसी रहिबा एवं माननीय रक्षा मंत्री का वक्तव्य को सुनिबा। बोलिए, भारत माता की। वाह, बहुत बुलंद आवाज है। भारत सरकार के मंत्री श्री फगन सिंह जी कुलस्ते, मध्य प्रदेश राज्यसभा, राजस्थान के राज्यसभा सदस्य श्री चुन्नी लाल जी चौरसिया, और यहां से लोकसभा के कैंडिडेट श्री अनंत नायक जी, एमएलए के कैंडिडेट श्री अखिला नायक जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री अंशुमान सबूजा मोहंता वर्मा, और हमारे मुरली मनोहर शर्मा एमएलए कैंडिडेट चंपुआ। वाह, बहुत अच्छे। और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों भाइयों, एक बार बोली भगवान जगन्नाथ की, माता सुभद्रा की, बलभद्र जी की, भगवान बिरसा मुंडा की। बहनों भाइयों, मैं उड़िया में नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं उड़िया बहुत ही अच्छी भाषा है, बहुत ही मीठी भाषा है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उड़िया में नहीं बोल सकता हूं। इसलिए मैं आप सबके सामने हिंदी में ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं समझता हूं आप सभी लोग समझ लेंगे। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन पहले यहां की भाषा, एठी उपस्थिता भाई ओ मौड़ी मानंकु मोर जुहार। बहनों भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं तो मैं कहने के लिए आया हूं, आप लोगों ने लगातार 50 वर्षों तक इस उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार देखी है, 25 वर्षों से आप लोग लगातार यहां पर बीजेडी की सरकार देख रहे हैं। आज मैं केवल अपील करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेडी को भी देख लिया, एक बार मेरे बहन भाइयों उड़ीसा में आप भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दीजिए। यह अपील आप सबके लिए करने के लिए आया हूं। बीजेडी की सरकार रहते हुए और कांग्रेस की सरकार रहते हुए उड़िया संस्कृति से जुड़ी तमाम चीजें उड़ीसा से गायब हो गई हैं। पांडुलिपियां भी और हमारी हजारों कलाकृतियां भी ऐसी हैं जो कि गायब हो गई हैं। यहां तक कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी भी गायब हो गई है। बहन भाइयों, आपको मैं ये विश्वास दिलाने आया हूं, हम लोगों की सरकार बनेगी, पूरी ताकत लगा देंगे। कहां है भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी, उसे हम खोज निकालने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, 50 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस देश में किया है। उड़ीसा में भी 50 वर्षों तक उन्होंने शासन सरकार चलाई है। बीजेडी भी पिछले 25 वर्षों से सरकार यहां चला रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं
इन लोगों के शासनकाल में इस देश का, इस राज्य का विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए, यह विडंबना है कि उतनी तेजी के साथ नहीं हो पाया। मैं आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी कल्याण के लिए आजाद भारत के इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है, आज तक भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री उतना काम नहीं कर पाया। आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का आजाद भारत के इतिहास में पहली बार फैसला किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, मैं आदिवासी भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, आदिवासी समाज की हमारी कोई मां बहन आज तक किसी बड़े ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन हमारे देश का जो सबसे बड़ा ऊंचा पद है वहां पर आदिवासी समाज की ही बहन को राष्ट्रपति बनाने का काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारी ही सरकार ने किया है। हमारे कुलस्ते जी यहां पर बैठे हैं, यह भी हमारे आदिवासी समाज के भारत सरकार में मंत्री हैं। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, हमारे फगन सिंह जी कुलस्ते जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी उस सरकार में वह मंत्री थे। उड़ीसा का जहां तक सवाल है, उड़ीसा में नवीन बाबू ने तो अजीबोगरीब हालात पैदा कर दिए। नवीन बाबू, आपके बारे में कुछ ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपके मुख्यमंत्री रहते लोग उड़ीसा को लूट रहे थे, लेकिन नवीन बाबू आप उसे रोक नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी कमजोरी आपकी यह है, यदि आप सरकार नहीं चला सकते थे, आप भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते थे, तो आपको स्वयं यह सरकार से हट जाना चाहिए। लेकिन सत्ता में आप बने रहे और फिर से आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाए। लेकिन बहनों भाइयों, राजनीतिक विश्लेषक और सर्वे एजेंसियां इस बात की दावा कर रही हैं उड़ीसा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, इस बार उड़ीसा में किसी की सरकार बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनने जा रही है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद उड़ीसा से चुने जाएंगे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान नहीं दुनिया की जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं वह दावा कर रही हैं। क्यों दावा कर रही हैं? 10 वर्षों से लगातार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए उन्होंने देखा है। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है, जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, पहले हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम भाषण देते थे तो दुनिया के दूसरे देशों के लोग उठकर चले जाते थे, भारत कमजोर देश है, इसकी बात सुने न सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज दुनिया में भारत का कद इतना ऊंचा हो गया है, दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। धन दौलत के मामले में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, धन दौलत के मामले में मेरे बहनों भाइयों, 2004 से लेकर 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, दुनिया के देशों में भारत हमारा 11वें स्थान पर खड़ा था। हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा कर दिया मेरे बहनों भाइयों, 8 वर्षों के अंदर धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सारी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान यह भी दावा कर रहे हैं, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 2.5 साल समाप्त होते होते यानी 2027 आते आते भारत दुनिया के
टॉप थ्री कंट्रीज में, टॉप के तीन देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। यह है भारत की ताकत। बहनों भारत भाइयों, हम भारत को केवल विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, हम भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। यदि हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए भारत को विश्व की महाशक्ति नहीं बनाना चाहते हैं। हम विश्व की महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। भारत ही दुनिया का अकेला देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश भारत से गया है। मेरे भाई, भारत अब दिनों दिन ताकतवर भारत बन गया, बनता जा रहा। पहले भारत के बारे में धारणा थी, अरे भाई भारत तो कमजोर भारत है, यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन अब सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया, भारत तो पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत का यह चरित्र है, भारत किसी को आंख नहीं दिखाता है। लेकिन भारत को अब किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की, मेरे बहनों भाइयों, तो देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत इस समय भारत के अंदर है। पीओके का नाम आपने सुना होगा, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके। तीन चार साल पहले ही मैंने कहा था एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, पीओके पर आक्रमण करके उसे हासिल करने की हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। पीओके की हालत दिनों दिन इतने खराब होते जा रहे हैं, दिनों दिन इतने खराब होते जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा पीओके के रहने वाले लोगों ने वहां पर जो पाकिस्तान का झंडा लगा था, पाकिस्तान के झंडे को उतार दिया। मेरे बहनों भाई, यानी पीओके के भारत में शामिल होने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। पीओके के लोग स्वयं में कहेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, भारत ही हमारा परिवार है। वह दिन भी आपको देखने को मिलेगा। विडंबना है, दुख है, जिस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है पाक अधिकृत कश्मीर में, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मैं उससे कहना चाहूंगा आपको पीओके में जो कुछ भी हो रहा है उसको उसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चुप्पी साध कर नहीं बैठ सकता। बहनों भाइयों, यदि हमारे ही बगल के एक भाग में इस प्रकार का मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए मैं ह्यूमन राइट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, भारत की ताकत, एक दो उदाहरण मैं आपको दूंगा। आपको मालूम है ना, दो साल से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। कितने लोगों को मालूम है, ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। इधर मालूम है कि नहीं लोगों को, पीछे के लोगों को मालूम है रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई चल रही है। बहनों भाइयों, आज के दो साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच जब लड़ाई शुरू हुई, रूस की तरफ से भी बम, गोले, तोप, मिसाइलें चल रही थी। यूक्रेन की तरफ से भी बम, गोले, तोप, मिसाइलें चल रही थी। लेकिन हमारे भारत के लगभग 30,000 बच्चे वहां पर, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई वहां पर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, उनके माता पिता जो भारत में रहते थे उनको इस बात की चिंता हुई है। कहीं ऐसा न हो रूस से चलने वाली मिसाइल, बम, तोप यूक्रेन में रहने वाले, पढ़ने वाले हमारे बच्चों पर कहीं ना गिर जाए, नहीं तो उनकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और सारे भारत में रहने वाले माता पिता आंखों में आंसू लेकर, दुखी होकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। बहनों भाइयों, मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं, मैं कहना चाहता हूं
हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही यूक्रेन के भी राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के बात करने के कारण 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 बच्चे चलकर वहां पर भारत आ गए। यह भारत है, भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री जब दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, कल्पना नहीं कर सकते मेरे बहनों भाइयों, भारत की ताकत का लोगों को एहसास है। हमारे प्रधानमंत्री को कोई बॉस कहकर पुकारता है, बॉस। कोई कहता है मोदी इज द ग्रेट, मोदी महान है। और आपने देखा दुनिया के एक देश के राष्ट्रपति ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनका पैर छूने की कोशिश की। यह है हमारा भारत मेरे बहनों भाई। कितनी तेजी से भारत बन रहा है, लेकिन पीड़ा होती है। जिस तरीके की हरकत बीजेडी के सरकार ने उड़ीसा में की है, नवीन बाबू आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपके आंखों के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा था, आप रोक नहीं पाए। यहां के गरीबों का खून चूसा जा रहा था, उनके पसीने का जो सम्मान किया जाना चाहिए वो आपके सरकार के द्वारा नहीं किया गया। कहां ले जाना चाहते हैं आप उड़ीसा को? बहनों भाइयों, मैं वह दिन भूल नहीं सकता, काला हांडी को लेकर उड़ीसा केवल भारत में सारी दुनिया में लोगों ने बदनाम किया। काला हांडी के भी हालत बदल गए। और आज मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम इस गुजरात राज्य को सरकार बना दो, एक विकसित राज्य बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में इस राज्य की एक अपनी अहमियत होगी। करके हम लोगों ने दूसरे राज्यों में दिखाया है कैसे विकास किया जाता है। भारत में किसी राजनीतिक पार्टी के पास इसकी कला है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्या कभी आपने सोचा था कोई प्रधानमंत्री आएगा कहेगा कि हिंदुस्तान में एक घर भी बचना नहीं चाहिए, एक व्यक्ति भी नहीं बचना चाहिए जिसके पास अपना पक्का मकान ना हो? नवीन बाबू, आपकी बीजेडी की सरकार में ईमानदारी से जो सबको पक्का मकान मिल जाना चाहिए था, पैसा हम लोगों ने दिया था, केंद्र में दिया, सबको नहीं दिया है। लोगों के घर में नल के माध्यम से जल पहुंचना चाहिए, थोड़ा बहुत काम हुआ है लेकिन जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ है। आयुष्मान भारत कार्ड, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, यह योजना हमारे प्रधानमंत्री ने चलाई थी, वह भी नहीं मिला है सबको। मुझे मालूम हुआ कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। गैस सिलेंडर, हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, जानती हैं माताएं बहनें कि इसके पहले कोई प्रधानमंत्री रहा होगा, इस बात की चिंता नहीं की होगी कि ये लोग लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर खाना बनाती थी, आंखों में आंसू आते थे। इनके आंखों के आंसू का दर्द यदि किसी ने पहली बार आजाद भारत में महसूस किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों को अभी तक पक्का घर नहीं मिला है, जिनके घरों में भी नल के माध्यम से जल नहीं पहुंचा है, जिनको एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिला है, जिसको आयुष्मान भारत कार्ड नहीं मिला है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने के लिए, बहनों भाइयों 2 साल के अंदर हम घर घर तक इसे पहुंचाएंगे, 2 साल के अंदर। लेकिन यहां हमारी बीजेपी, यहां पर हमारी बीजेपी की सरकार बना दीजिए। यह मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। ये कांग्रेस के लोग आपसे झूठ बोलकर आपका समर्थन लेना चाहते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया
तो संविधान बदल देंगे। बहनों भाइयों, 42वां संशोधन उस समय हुआ था जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। संविधान सभा के सारे सदस्यों ने यह कहा था, संविधान के प्रियम्बुल, संविधान की प्रस्तावना में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संविधान बनाने वाले संविधान सभा के लोगों का भी अपमान यदि किसी ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया, और उन्होंने संविधान की आत्मा बदल दी, प्रस्तावना बदल दी, प्रियम्बुल बदल दिया, और उल्टे आरोप हम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, यह कहते हैं कि आज झूठ बोलते हैं, कहते हैं बीजेपी की सरकार आ जाएगी आरक्षण समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको संवैधानिक अधिकार देने का काम पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलत सलत प्रचार करते हैं। आदिवासी भाइयों के लिए पीएम जनमन योजना, जिनकी अब तक बराबर उपेक्षा की गई है, उनका कल्याण होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यदि किसी ने सोचा है तो हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा है। मेरे बहनों भाई, कहते हैं यदि बीजेपी एनडीए को 400 सीट मिल जाएगी तो आप समझ लीजिए लोकतंत्र की हत्या कर देंगे लोग। बहनों भाइयों, याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला यदि किसी ने घोटने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है, भाजपा ने कभी नहीं किया है। लाखों की संख्या में हम लोगों को उठाकर जेल के शिक्षों में डाल दिया गया था। बहनों भाइयों, मैं जेल में था 25 साल की उम्र में, मेरी मां की मृत्यु हो गई, लेकिन दाह संस्कार में शामिल होने के लिए इन्होंने पेरोल तक नहीं दिया। ये लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो लोकतंत्र का गला घोट देगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथ में, और मुझे तो आश्चर्य होता है, एक पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं फवाद हुसैन, नेट पर आप लोग देख लेना, वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, अब मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को वोट मिलना चाहिए, ऐसी पार्टी को वोट मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हो गया इन लोगों? और वहीं पर एक फजलुर रहमान साहब हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, वह पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहते हैं मोदी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है, भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है, और हमारा पाकिस्तान, वह कहते हैं पाकिस्तान के जो सांसद हैं, एमपी हैं, वह कहते हैं भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है, भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी बचाने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारा नहीं कहना है, कांग्रेस के नेता नहीं कहा है, देश की आन बान शान यह दुनिया में बढ़ी है। बहनों भाई, हमारे आदिवासी समाज के बहुत सारे बहनों भाइयों ने, जो अंग्रेजों की हुकूमत थी, भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी को, फंदे को चूम लिया। कितना बड़ा बलिदान, कितनी बड़ी कुर्बानी लोगों ने की है। अब आप यहां बैठे हैं, आप स्वयं साक्षी हैं। कोरोना बीमारी यहां पर थी कि नहीं? कोरोना की थी कि नहीं? जरा पीछे के लोग हाथ उठाकर बतलाइए, कोरोना था कि नहीं था? मेरी बात सुन लीजिए और इसकी आप पुष्टि कर लीजिएगा, बात सही है कि नहीं है। क्योंकि बहनों भाइयों, मैंने राजनीति जिंदगी में की है, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर मैंने राजनीति की है।
और मैं कहना चाहता हूं जो मैं कह रहा हूं इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोरोना का संकट आया था, भारत दुनिया का अकेला देश है, यहां तक कि अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, कोरोना का प्रभाव दुनिया में सभी जगह था। लेकिन दुनिया के हर देश के नागरिक को कोरोना का टीका, कोरोना की वैक्सीन दो डोज तीन डोज नहीं लगी है, लगी है दुनिया में कोरोना की टीका, कोरोना की वैक्सीन केवल भारतवासियों को दो डोज और तीन डोज लगी है। मेरे बहनों भाइयों, यह काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। 5 किलो मुफ्त राशन, संकट की घड़ी में हमारा गरीब भूखा न रह जाए, इसकी चिंता किसने की? हमारे प्रधानमंत्री ने की। और बहनों भाइयों, 5 किलो मुफ्त राशन जो आज के 3 साल पहले शुरू हुआ था, अब तक चला रहा है, अगले 5 साल तक हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त राशन मिलता रहेगा। लेकिन एक बात मैं बतलाऊं, ईमानदारी से जवाब देंगे आप, बोलें बोलें, पीछे के लोग बतलाइए बताएं, लेकिन सही हो तब तो ताली बजाइएगा, न सही हो तो मत बोलिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अधिकांश परिवार हमारे भारत में ऐसे हैं, केवल उड़ीसा की बात नहीं है, पूरे भारत में एक परिवार में एक नहीं, 2, 3, 4, 5 लोग 5-5 किलो हर महीने राशन ले रहे हैं। बहनों भाइयों, खा भी रहे हैं और बच रहा है तो बेच भी रहे हैं, यह हमारे प्रधानमंत्री का करिश्मा। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हमारे प्रत्याशियों का नाम दीजिए, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करने आया हूं, जिता देंगे इन लोगों को? अरे पीछे के लोग, आप जिता दोगे नहीं इन लोगों को? अरे जल्दी करो भाई, क्या बात है। अनंत, जिताना पक्का है? एकदम पीछे की हमारी इधर बाईं तरफ जो माताएं बहन हैं उनसे पूछना चाहते, पक्का है? तो पक्का है तो एक बार हाथ उठा के ताली बजा दीजिए तो मैं मान लू कि पक्का। हमारे अनंत नायक यह जो हमारे यहां के एमपी के कैंडिडेट हैं, वैसे आप लोगों को मालूम नहीं होगा, अनंत नायक को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, आज से नहीं पहले से जानता हूं। यह धीरे धीरे अब देश के बड़े नेता ये होते जा रहे हैं, फगन सिंह कुलस्ते की तरह मेरे अनंत नायक। और हमारे प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज की सारे देश की जिम्मेदारी इनके ऊपर दी, फगन कुलस्ते को मंत्री बनाया, इनको कहा कि आप संगठन खड़ा करो। और एक चीज अभी बतला दें, आप केवल सांसद चुनकर नहीं भेजेंगे, आप केवल सांसद चुनकर नहीं भेज रहे हैं, बताइए आप समझ ही नहीं पाए, अकलेमंद इशारा काफी, समझ गए? पीछे के लोग भी समझ गए, अनंत नायक को जिता देंगे पक्का। और हमारे एमएलए कैंडिडेट हैं, अखिला नायक कहां है? अखिला नायक, वाह, अखिल नायक, वाह, वैसे अखिला नायक जी शरीर से भी जरा ठीक ठाक है। बहनों भाइयों, आपकी समस्याओं को लेकर ये जूझने की भी जरूरत पड़ेगी तो आपके अखिला नायक जूझ सकते हैं, शरीर से भी ठीक ठाक है। और हमारे ये जो मुरली मनोहर जी शर्मा, अरे मुरली मनोहर शर्मा तो एकदम बहुत शरीफ सज्जन आदमी। और मुरली मनोहर शर्मा के बारे में मैं जानता हूं, मुरली मनोहर शर्मा का सबसे बड़ा चरित्र है कि जो कहते हैं उसे करते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो जिता देंगे पक्का? मैं चलूं पक्का ना?
यदि ये जीत गए लोग तो मैं अनंत नायक को कहूंगा, शर्मा जी से भी कहूंगा और अखिल नायक जी से भी कहूंगा, कभी 6 महीना साल भर डेढ़ साल के बाद एक बार हमको फिर से यहां बुला लेना और फिर से दोबारा यहां पर आना चाहूंगा, फिर से यहां दोबारा आना चाहूंगा। जैसे मोटी हार पहनाकर आप लोगों ने स्वागत किया था, स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अभी हमको सूचना मिली है कि हमारे केवंझर की रानी सुनंदिनी भंज देव जी भी आने वाली थी लेकिन कुछ ऐसे कारण हो गए कि ये कहा गया कि अब रहने दीजिए, इसलिए वो नहीं आ पा रही। लेकिन आप सब यहां पर मौजूद हैं इतनी बड़ी संख्या में, आप सब को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और एक बार मैं नारा देता हूं, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं